किसान भीरो सत श्री अकाल। हुण नरमे की बिजाई या तो शुरू हो चुकी है या अपने सरों ते कणक तो बाद नरमे की बिजाई शुरू हो जूगी। तो पिछले सालों के गुलाबी सूडी के करके नरमे वाले किसान बहुत ही वड्डी दुरचित्ती दे विच हैगे वी नरमा बीजीए या ना बीजीए। तो पिछे वीडियो बनाई सी गुलाबी सूडी वाली, उहदे विच कई कमेंट भी आए सी वी आपां किन्नी दूर ते नरमा बीजीए। कई जिमीदार कहिंदे सी 7 फुट ते नरमा बीज सकदे आ कि नहीं बीज सकदे। तो इन सारिया गलों बारे गल करते हैं अज। तो चैनल पर नवे हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दो, वीडियो में लाइक कर दौ। तो जे थोनों अपना काम वधिया लगता तो तुम अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो हुण गल करते हैं भी नरमे की बिजाई। कई जिमीदार कहिंदे नरमा बीजना ही नहीं गा, कई कहिंदे बीजांगे, कुछ बीजांगे, कई कहिंदे आपां बैडा ते बीजांगे, कई कहिंदे आपां विरला बीजांगे। तो यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करी जाती है विरला बीजो नरमा 3.5 फुट से बीजो। तो विरला आप कि बीज सकते हैं नरमा भी, कई जिमीदार आए थे कमेंट भी आप 7 फुट से नरमा बीज सकते हैं कि नहीं बीजते। तो उन्होंने मैं कहना चाहूँगा भी 7 फुट से आप नरमा बीज सकते हैं, पर 7 फुट से जोड़ा नरमा बीजना होंगे वह टाइम होंगे फरवरी के नरमा बीजीदा। जोड़ा 7 फुट से बीजते हैं वो कोई इंटरक्रॉप भी लै सकते हैं आप उहदे वास्ते। जे आपां कल्ला नरमा बीजना भी हुण आह हाड़ी वाली फसल लैके बाद च बीजना तां बहुत वधिया अपना डिसीजन नहीं होना भी 7 फुट ते आपां नरमा बीजीए। जां तां नरमे दे विचाले कोई तुसीं मूंगफली वगैरह की फसल लैनी है एक गेड़े की, फिर तां ठीक है कम। पर जे तुसीं कल्ला नरमा बीजना चाहुंदे हो तां 7 फुट ते नरमा बहुत वधिया होऊगा, कोई दिक्कत है नहीं गी। पर उहदे दिक्कत यह आजूगी जदों लास्ट जदों टिंडिया नाल भरिया हुंदा नरमा अगस्त दे विच जिहड़ा चखेड़ा हुंदा, तां उहदे नाल क्योंकि बूटे नूं बूटे की ही सपोर्ट हुंदी है। चलो आपदी जड़ दी तां हुंदी है, मीह पै जांदा जड़ पोली हो जांदी है ते उधरों चखेड़ा आ जांदा, तेज़ हवा आ जांदी है तां बूटा दूजे बूटे दे नाल लग के खड़ जांदा। जदों दूजा बूटा दूर होया, दूजा ओड़ा दूर होया, तां उह सारे दा सारा धरती नाल लग जूगा जिहड़ा नरमा हैगा अपना, तां उहदे नाल आपां नूं ज़्यादा नुकसान हो जांदा। क्योंकि पिछले तो पिछले साल अपने सीगा नरमा बीजा सी आपां 5 फुट दूर तो बीजा सीगा भी अपने जिहड़ी 4 ओड़ियां वाली मशीन हुंदी है इहदा एक ओड़ा बंद करके एक ओड़ा चलदा सी, मतलब 2 ओड़ियां नाल बीजा सी आपां। वैसे आपां कहिंदे 3 हलां नाल के 4 हलां वाली नाल, आपां 2 हलां वाली नाल बीजा सीगा। तां नरमा दा सी बई बहुत टॉप दा सीगा, उहदी आपां टॉपिंग भी करती सी उपरों टाइम टू टाइम, बहुत बूटा मारिया सी नरमे ने। तो नरमा मान लो 2 हलां वाली मशीन नाल बीजा हुआ भी लगभग 4.5-4.5 फुट की दूरी पर सीगे बूटे तो ओड़े तो ओड़ा, तो मिल गया सी नरमा लास्ट दे विच। पर इन्ना शानदार नरमा सी उते कोई वाइट फ्लाई का अटैक नहीं होया सी, गुलाबी सूडी तो उस साल अपने आई नहीं सी। पर लास्ट जो चखेड़ा आया उस दिन कुदरती पानी लग्या हुआ सीगा, 9 बीघे अपने नरमा सी उह, ते 9 दा 9 बीघे बई जमा धरती नाल लग गया सी। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦਾ 5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਘੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀ ਨਰਮਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਨਰਮਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 3.5-4.5 ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਓੜੇ ਤੋੜਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, 4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਓੜੇ ਤੋੜਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਅਤੇ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂੰਡੀ ਪੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂੰਡੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮੇ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਨਰਮਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧੁੱਪ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਗਸ ਨਾਲ ਟਿੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੋਲ ਰੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਟਿੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਊਗੀ ਹਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੈ, ਬਿਸ਼ੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੂੰਡੀ, ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਵਿਰਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਸੀ
वो नरमे वधिया हो गए सी, चार पांच क्विंटल बीघे दे हो गए सी। तां करके आपां नूं चार फुट ते आपां रखीए, चार साढ़े चार फुट ताईं कर सकदे आ ओड़े तो ओड़ा। तो जे वो नरमा बीजांगे आपां ते गोडे गोडे जदों नरमा हो गया आपां टूसा तोड़ देना नरमे दा बई। जदों टूसा तोड़ दांगे नरमा उत्ते घट वधूगा, सैडां ते वध वधूगा, तना उहदा जिहड़ा हैगा वह मजबूत हो जूगा या थलों मुढ मजबूत हो जूगा, तो नरमा डिगण की भी घट दिक्कत आऊगी तो जड़ भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी। एक पहला पानी अपन थोड़ा लेट लावांगे, 50-60 दिनों का नरमा करके जो लावांगे तो वेद जड़ की ग्रोथ बहुत वधिया हो जाती है, तो नरमा डिगण की दिक्कत नहीं आती गी। बाकी तुसी पिछली वीडियो देख सकते हो, आप दस्या भी मैटाराइजियम अपना पहला रोनी करते हैं उदों पा देनी है वाहन के जोड़े प्यूपे वगैरह हुए गुलाबी सूडी के वह मर जाएंगे। जो 35 दिन का नरमा हो गया उदों मैटाराइजियम की स्परे करनी है, निम वाली स्परे करनी है, 65 दिन करनी है, 85 दिन करनी है मैटाराइजियम तो निम वाली स्परे करनी है। अपना उस तो बाद जो लगता अपन भी गुलाबी सूडी का अटैक हो गया या सारे एरिए हो गई अपने नरमे के दिख गई, पहली गल तो जो इन्ना काम आप करता तो पीक टाइम पर अपने गुलाबी सूडी का अटैक नहीं होना गा बई, अपने टिंडे खाने नहीं होने गे, अजमाई हुई चीज़ है। पर जे तुसीं इह स्परेयां नहीं कीतियां अटैक आ गया तो कोई भी स्परे करनी है सिंथेटिक स्परे पहलां तां नहीं करनी गी 100 दिनों के पहला नरमे के 110 दिनों के तो बाद च जे परफेनोफोस भी करनी है आपां तां फुल डोज पा के करनी है, एवें है नहीं भी हाफ डोज जी पा ली 50% वाली परफेनोफोस यूज करनी आप, साइपर परफेनो का मिक्सचर नहीं लैना गा, कॉम्बीनेशन नहीं लैना गा। तो अपना जदों वधिया नरमा होया फल ते पूरा होया अपने नरमे दे पूरा बायोमास बन चुकया होया उदों आपां बायोकेयर बी दी या सूडोमनास की स्परे करनी है 1 लीटर 1 बीघे के हिसाब नाल, तां उहदा आपां नूं इह रिजल्ट मिलेगा भी अपने नरमे ते जिहड़े फंगस नाल टिंडे खराब होए सीगे पिछले साल, लाल जे टिंडे होके गल गए सीगे ते वह नहीं होणगे, वह जिहड़ा रोग है वह नहीं आऊगा, क्योंकि सूडोमनास जिहड़ा हैगा बहुत फंगसां नूं कंट्रोल करदा है तां इहते जिहड़ी फंगस लगण तों रोकूगा। तां बस आपां नूं इन्ना भी नहीं जाणा चाहीदा गा नरमे तों मूँह भी नहीं बटना चाहीदा, क्योंकि जिथे कल्ला नरमे की फसल हैगी है जिथे झोना नहीं लगता गा उत्थे नरमा जिहड़ा हैगा उह मेन खेती है, तो जिमीदार का जिहड़ा घाटा पूरा वह नरमा ही करता है। चलो नहीं होया पिछले साल नहीं होया उस तो पिछले साल नहीं होया गा, पर जदों घाटा पूरा किया जिमीदार का नरमे ने ही करना है, तो अपन खेती छड़ भी नहीं सकते गे, कल्ली कपाह ते भी नहीं हो सकते, गेती गेती तुसी कपाह भी ला लियो जिनी क चुगाई की थोड़े को व्यवस्था हैगी है, बाकी नरमा भी कुछ लायो जिन्ना आए बारी लाने वो अद्धा ला लियो पर लायो जरूर बई मेरा। बाकी आपां नरमा लावांगे, आपां नरमा लावांगे बैड ते लगभग 5 फुट ते 4.5 फुट ते ओड़े दा ओड़ा रखांगे, ते नरमे दे नाल आपां इक ओड़ा मूंगफली का लावांगे। मूंगफली आपां कोई काश्त वास्ते नहीं लाउणी गी, मूंगफली सिर्फ इस वास्ते लाउणी है भी मूंगफली दे विच जड़ां दे विच राइजोबियम बनूगा, तो राइजोबियम दीआं गंढां बनणगीआं उहदे नाल नरमे नूं ताकत मिलदी है, तो नरमे नूं जिन्नी ताकत मिलेगी उन्नी बीमारी घट आऊगी। क्योंकि पिछले साल आपां देखिया सीगा एक अपने गवांडी ने उस तो पिछले साल उहदे मूंगफली सीगी, तो जिथे वट दे उत्ते मूंगफली उग आई सी, जिहड़ी मूंगफली दे बूटे दे नाल बूटा सी ना बई उह सारिआं नालों तकड़ा सीगा, उहदा कारण इही सी वी जिहड़ी मूंगफली सीगी उहने उहनूं ताकत दित्ती, तां करके इस वारी आपां इह प्रैक्टिकल जरूर करना है, क्योंकि उहदे तो ओड़ा तो आपां वैसे ही दूर रखना, तो एक कोड़े दे विच आपां जां इक पोर दे विच मूंगफली ड्रिल कर दांगे नाल, नाले तां घा नहीं होना गा क्योंकि मूंगफली थले थले फैल जूगी, तो नाले अपने नरमे नूं ताकत मिलेगी, वह जो आप बीजांगे तुहानूं जरूर दिखावांगे। तो ठीक है किसान वीरो, जे जानकारी चंगी लगी होवे तां शेयर जरूर कर दिओ बई, मेरा चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, धन्नवाद मेहरबानी पूरी वीडियो देखण वास्ते।